कि हर अधिकारी को मालूम है कि मेन समस्या किसानों की क्या है। किसानों की समस्या कुछ नहीं है, हर मंडियों में खरीदारी हो रही है, लेकिन कुछ सूत्रों से ऐसा पता चला है कि उस अंबाले वाले ने यहाँ खरीद किया, 10 दिन से उसकी जीरी यहाँ पड़ी है, उसको NOC इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो अधिकारियों को पैसा नहीं दे रहा है। अगर आप सोचिए किसानों से जो पैसा एजेंसी आएगी, राइस मिल वाले आएंगे, राइस मिल ऐसा नहीं है कि राइस मिल वाले नहीं है, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं छोटे से मोटे तक कि उसमें इनको जब तक रिश्वत नहीं जाएगी, इनको एजेंसी नहीं मिलेगी, उसमें किसान पिसा जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट, मैंने ट्विटर पर चीफ मिनिस्टर को भी लिखा कि बाबरपुर मंडी में एक हफ्ते से जीरी नहीं खरीदी जा रही है, लेकिन अगर किसी पार्टी का, किसी का नेता का बच्चा पैदा होगा, कोई मर जाएगा, कोई देख लेगा, उसको तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं कि आज देखिए हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ है। लेकिन इस समय जब किसान सड़कों पर, किसान को क्या, हमारे परिवार के लोग, हमारे लोग भी बीमार सड़कों पर जा रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं है कि हम सड़क जाम करें, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि भ्रष्ट अधिकारी और प्रशासनिक नेता जो ये दिखावा करते हैं कि हम बड़े साफ सुथरे हैं, उन्हें रिश्वत के चक्कर में किसान पीछे जा रहे हैं कि सेलर वालों के अलाटमेंट। इसमें मेन समस्या ये है कि इतने सेलर मैन हैं, तरावड़ी में आपकी PR 14 जो है 2060-2100 रुपये तक बिक रही है, यहाँ हमारी सरकारी रेट पर खरीद नहीं हो पा रही। उसका कारण क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत नहीं मिल रही, जिसके नाते वो एजेंसी नहीं नियुक्त हो रहे, जिससे एक हफ्ते से बाबरपुर मंडी में धानों की खरीद नहीं हो पा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर जो दिया गया था एजेंसी अंबाला की, कोई राइस मिल वाला यहाँ आकर के जीरी खरीदी, जो मुझे मंडी में पता चला उसकी जीरी आज भी पड़ी है, उसको ये लोग NOC दे करके खरीद क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं। और जो भी यहाँ तहसीलदार हो या जो ये है कि नोडल मार्केट के हैं, नोडल अधिकारी, सब प्रशासन के ही लोग हैं, तो सबसे पहले किसानों की इस भीड़ को सुन करके हू हल्ला करने से कोई समाधान नहीं होगा। ये लोग बैठ करके भी समाधान कर सकते हैं, लेकिन जहां तक ही मंडी का सवाल है, इसमें केवल रिश्वत के ही चक्कर में किसानों की जीरी खरीदी नहीं जा रही है, क्योंकि एजेंसियां जो आ रही हैं जीरी खरीदने, वो इन लोगों को, अधिकारियों को पैसे नहीं दे रही हैं। क्या नाम आपका? भीमसेन यादव। पीछे का जिम्मेदार है यहाँ पे बहुत बड़े, ये लोग अभी पीछे क्यों जान भी लगाया गया, खरीद नहीं हो पा रही। यहाँ पे जो हमारे मार्केट कमेटी के सचिव हैं और तहसीलदार साहब जो यहाँ नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है सभी किसानों को और आढ़तियों को, अभी एक घंटे तक हम यहाँ पे अपनी खरीद चालू करवाएंगे, और हमारे मिलर्स आ गए हैं 2-3। देखो अब जमींदार भी शांत हो गए, तो यदि नहीं होती फिर जाम लगाएंगे और क्या करेंगे, जमींदार मरता क्या नहीं करेगा, जमींदार ने आढ़तियों को बहुत पैसा देना, कैसे उतरेगा, ये फसल बिकेगी तभी तो पैसा उतरेगा। हमारी जीरी 10-10 दिन से पड़ी है, काली हो, उनका रंग, उनका रेट फिर आधा हो जाता है, क्या करें, जमींदार की बहुत भारी समस्या है, इधर मजदूरों की समस्या है, मजदूर थाली बैठ के खा रहा है बेचारा, क्या करेगा ये हम तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट, क्या कारण है खरीद क्यों नहीं होता भाई, मिलर की वजह, यहाँ पे मिलर नहीं है कोई भी, मिलर आएगा तभी तो, मिलर कौन भेजेगा, मिलर भी प्रशासनिक अधिकारी तो भेजेंगे, अब वो क्या क्यों नहीं भेज रहे, वो तो सरकार को पता है या DC साहब को पता है, ये बताएंगे। DC साहब भी 2 बार दौरा कर चुके हैं, हम DC साहब से वहाँ भी मिल चुके हैं जाके, कहते हैं भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अब देखो क्या होगा। जो खरीदारी 2 दिन पहले भी कह रहे हैं, हाँ जी, जो कल आज होनी थी आज भी नहीं हुई, कल भी लिखी गई है वो भरी नहीं, कल भी लिखी गई है वो कोई भरने वाला नहीं आया, क्या करें, ये तो सरकार तो कह देती है हमने खरीद ली है, खरीदी कहाँ जब भरी नहीं गई, किसान की तो ढेरी पड़ी है, हम दुखी है सारा किसान यहाँ पे, और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है भैया जल्दी चालू, आज ही करवाए इसको ताकि किसान बच सके, नहीं मरने की नौबत भी है, क्या करेगा किसान। सेक्टरी साहब आए हैं आप लोगों के बीच में, नहीं करेंगे बात, हाँ जी सेक्टरी साहब करे, अभी एक घंटे के अंदर अभी मिल वाले आ रहे हैं 2 आपके पास, और अभी आज ही चालू करवाएंगे जरूर, इसीलिए सारे लोग ठीक है। पहले भी ये कहा गया कि खरीद शुरू होगी, लेकिन पहले हर रोज ही, कभी कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जो हर रोज, अब DM सुबह से DM से बात हो रही है, DM फोन ही नहीं उठा रहे, अब DM सुबह से फोन ही नहीं उठा पा रहे। ये भी बताया जा रहा है कि बारदाने की भी समस्या है, नहीं बहुत ज्यादा है सर यहाँ पर, और 10 दिन तो हमें भी हो गए यहाँ पर अपनी जीरी गिरे हुए है, रोज अपना काम भी छोड़ के आना पड़ता है, कोई भी ना कोई एक दाना तक नहीं बिका हमारा अभी तक, आते हैं जीरी के एक तो सूख गया ज्यादा, रोज यहाँ कौन इनकी रखवाली करेगा, रोज रात को भी यही रहना पड़ता है, अब क्या करे। रात को भी कोई समस्या है पर? रात को समस्या क्या सर, रात को मच्छर खाते और समस्या क्या है, और क्या करे यहाँ, जीरी को चोरी का होती है और होती है सर, क्यों नहीं होती बताओ, और कहाँ जाएंगे बंदे, है पानी की समस्या, सबको समस्या बताओ, है बिजली क्या है, और क्या यही सोना पड़ता है सड़क पर, कहाँ जाके सोएंगे से, है अगर नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ कम कम वही होते कि चोरी होती, कौन रखवाली करेगा यहाँ पर, है इसलिए मतलब 10 दिन हो गए सर हमारी एक नहीं बिकी अभी तक यहाँ पर, और आते हैं रोज ये कहते हैं कल बिकेंगे अभी तक एक बार भी नहीं बिकी सर। हाँ
देखिए सेक्रेटरी हैं मान साहब, वो भी इनके बीच में पहुंचे हैं। तमाम जो किसान हैं वो यहां पर इकट्ठा हैं और अधिकारियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि खरीदारी न होने के कारण जहां किसान लगातार परेशान हैं। वहीं बता दें कि कई दिन पहले जो हैं डीसी पानीपत यहां पर पहुंचे थे और आश्वस्त किया था किसानों की जल्द ही खरीदारी आज यहाँ की खरीद हो जाएगी, लेकिन अभी तक खरीद न होने के कारण जहाज किसानों द्वारा नेशनल हाईवे पर जाम भी किया गया और अब फिर किसान यहां पर पहुंचे हैं। लगातार रणनीति बनाई जा रही है। सेक्रेटरी साहब किसानों के बीच में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज से खरीद जो है शुरू कर दी जाएगी, लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं अभी भी ये रोष जरूर बना हुआ है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आज भी खरीदारी शुरू नहीं होती तो किसानों का कहना है कि वो फिर से मजबूर होंगे, कि वो जाम लगाने को मजबूर हो गए। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जो जरूर दें और तमाम लोगों से अपील यही कि इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।